हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। और आज हम फिर से हमारी डीमन स्लेयर की सीरीज़ कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जिस किसी ने भी पुराने एपिसोड्स नहीं देखे वो चैनल पर जाकर उन्हें चेकआउट कर सकता है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि तांजीरो अपना फाइनल टेस्ट देने पहुंच जाता है और फिर वो एक लड़की को काफी ताकतवर डीमन से बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उस डीमन का नाम मॉर्फ डीमन है और उसे सकोंजी ने ही इस जगह पर कैद किया है और वो सकोंजी के काफी सारे स्टूडेंट्स को मार चुका है। फिर तांजीरो एक एक कर उस डीमन के सारे हाथ काटना शुरू कर देता है और आखिर में वाटर सर्फेस स्लैश की मदद से वो उस डीमन का गला भी काटने में कामयाब हो जाता है। और इसी सब के साथ ये नया एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर उस डीमन का गला कट चुका था और सबके साथ ही उस डीमन को अपना पुराना समय याद आने लगता है जबकि वो एक इंसान को मारकर खा रहा था। और तभी वहाँ पर सकोंजी आ जाते हैं जो कि इस डीमन को पकड़ना चाहते हैं। फिर सकोंजी और मॉर्फ डीमन की यहाँ पर बहुत बुरी लड़ाई हो जाती है और सकोंजी का पलड़ा भारी था और इसी सब के चलते वो डीमन वहाँ से भागने लगता है। और तभी सकोंजी उस डीमन के पीछे से आकर उस पर वाटर सर्फेस स्लैश यूज कर देते हैं और कुछ इसी तरह से सकोंजी ने उस डीमन को पकड़ा था। और जैसे ही तांजीरो ने उस डीमन पर वाटर सर्फेस स्लैश का यूज किया उसे वहाँ पर सकोंजी की झलक दिखी। फिर मॉर्फ डीमन को यहाँ पर अपना बड़ा भाई याद आने लग जाता है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने डीमन बनने के चलते उसे ही मार दिया। और हमारा तांजीरो उस डीमन की जलती हुई बॉडी की स्मेल से उसका दुख महसूस कर पा रहा था और उस डीमन का दुख महसूस करके तांजीरो की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। और जैसे जैसे उस डीमन की बॉडी जलकर खत्म हो रही थी तांजीरो उस डीमन का हाथ पकड़ लेता है और ये सब कुछ देखकर मॉर्फ डीमन की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। इस सबके बाद मॉर्फ डीमन की आत्मा दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है जहां पर उसे अपना भाई दिखाई देता है और वो शांति से अपनी जिंदगी वहां पर बिताने का प्रॉमिस करते हैं। मॉर्फ डीमन खत्म हो चुका है ये जानकर सकोंजी के सारे स्टूडेंट जो कि मर चुके थे उन सभी की आत्माओं को शांति मिल जाती है और वो सभी भी वहां से चले जाते हैं अपनी आफ्टर लाइफ में। इस सब के बाद तांजीरो अगले 7 दिनों तक सरवाइव करना जारी रखता है और इस सब के बीच में उसे बहुत सारे डीमंस मिलते हैं। तांजीरो हर डीमन से मिलने पर सिर्फ एक ही बात पूछता है कि एक डीमन को इंसान में फिर से कैसे बदला जाए, लेकिन उन सभी में से एक भी तांजीरो का जवाब नहीं देता है, इसलिए मजबूरन तांजीरो को उन सभी को मारना पड़ता है। और इसी सब के चलते चलते 7 दिन कम्प्लीट हो जाते हैं जहाँ पर तांजीरो अपना टेस्ट कम्प्लीट कर चुका था और अब वो स्टार्टिंग पॉइंट पर जाता है जहाँ पर इस सभी की शुरुआत हुई थी और पाता है कि वहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग हैं उसके अलावा। और जब वो यहाँ पर आया था तब करीब 20 लोग थे और यहाँ पर वो लड़का भी नहीं था जिसे तांजीरो ने मॉर्फ डीमन से बचाया था। तांजीरो के साथ यहाँ पर 3 लोग बचे थे जिसके अंदर से एक बहुत ज्यादा डरपोक था और दूसरा बहुत ज्यादा अकड़ू और तीसरी एक लड़की थी जो कि अपने हाथ पर बैठी हुई तितली को देखकर हंसती रहती थी। अब वो ट्विन सिस्टर्स वापस आ जाती है और इन सभी लोगों को बधाई देती है कि इन्होंने डीमन स्लेयर बनने का टेस्ट पार कर लिया। और तभी उन दोनों सिस्टर्स में से एक ताली बजाती है और इन सभी लोगों के कंधे पर आकर बैठ जाते हैं इन सभी के क्रोज। और फिर वो ट्विन सिस्टर बताती है कि ये कासुगा की क्रोज है, इन सभी की मदद से इन्हें अपने मिशंस मिलेंगे। लेकिन उस सुनहरे बालों वाले लड़के के पास आकर बैठ जाती है एक छोटी सी चिड़िया। अब वो दूसरा लड़का जाकर एक ट्विन सिस्टर को उसके बालों से पकड़ लेता है और कहता है कि उसे अपनी स्वॉर्ड चाहिए और उस स्वॉर्ड को बनने में कुछ समय लगने वाला था। ये जानते हुए भी वो उस लड़की के बाल पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर तांजीरो आ जाता है और उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि इसका हाथ छोड़ दो। और वो लड़का फिर भी नहीं मानता, इसीलिए तांजीरो उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है जिस वजह से उस लड़के को अपने हाथ पर दर्द होने लगता है और वो सिस्टर को छोड़ देता है। फिर इन सभी लोगों को यहाँ पर अपने अपने ओर डिसाइड करने थे जिससे इनकी तलवारें बनेंगी। अब सारे ओर बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे इसलिए तांजीरो को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना ओर कौन सा चुने। और वो सुनहरे बालों वाला लड़का कहने लग जाता है कि ओर डिसाइड करने से कुछ नहीं होगा क्योंकि कुछ समय में तो वो वैसे ही मर जाएगा। अब तांजीरो को यहाँ पर एक ओर की स्मेल आने लगती है और वो जाकर अपना ओर चुन लेता है। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका कासुका की क्रो आकर उसे कहता है कि इस बार कुछ बच्चों ने टेस्ट पास कर लिया है। और इसी के साथ हम तांजीरो को देखते हैं जो कि माउंट सकीरी के लिए फिर से निकल चुका था। तांजीरो फाइनल टेस्ट के चलते बहुत ज्यादा थक चुका था इसीलिए वो चलने की हालत में नहीं था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर अपने घर तक पहुंच जाता है। और तभी उस घर का दरवाजा खुलता है और वो नेजुको को अपने सामने पाता है। अब नेजुको ने भी तांजीरो को देख लिया था और नेजुको भागते हुए तांजीरो के पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। और फिर तांजीरो यहाँ पर खुशी के मारे रोने लगता है और तभी वहाँ पर सकोंजी आ जाते हैं और फिर वो उन दोनों को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि तांजीरो तुमने अपना टेस्ट कम्प्लीट कर लिया।
तो ये सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर सकोजी तांजीरो को अलग अलग डीमंस के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि कुछ डीमंस ब्लड स्पेल का यूज करते हैं और ज्यादा ताकतवर होने के लिए। फिर तांजीरो पूछता है कि क्या नेजुको भी इसी टाइप की डीमन है, जिस पर सकोजी बताते कि उन्हें ऐसा नहीं लगता। और सकोजी ये भी बताते हैं कि नेजुको दूसरे डीमन से अलग है, क्योंकि वो ज्यादा देर सोकर अपने आप को रिकवर कर लेती है बजाय किसी इंसान को खाने के। और इसी सब के चलते कुछ दिन बीत जाते हैं और तांजीरो देखते हैं कि उसकी घर की तरफ कोई चलता हुआ आ रहा है। वो आदमी आकर पूछता है कि यहाँ पर कोई तांजीरो है क्या, जिस पर तांजीरो कहता है कि मेरा नाम ही तांजीरो है। फिर वो आदमी यहाँ पर बताता है कि वो तांजीरो को अपनी स्पॉट देने आया है। अब तांजीरो उस आदमी को अपने घर के अंदर इनवाइट करता है, लेकिन तांजीरो को बिल्कुल इग्नोर करते हुए आदमी सिर्फ तलवार की ही बातें कर रहा था। वो आदमी अब बताता है कि ये बहुत ज्यादा स्पेशल नेचर इन स्पॉट है, जिसे कि उसने खुद बनाया है। ये तलवार स्कारलेट क्रिम्सन सैंड और स्कारलेट क्रिम्सन ओर से बनी है, जो कि हर समय पहाड़ों में तपते रहते हैं। फिर वो तांजीरो की तरफ अपना मुंह घुमाता है, जिसे तांजीरो देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने एक अजीब सा मास्क पहना हुआ था। फिर वो आदमी तांजीरो के आंख और बालों को देखकर कहता है कि तुम्हारी फैमिली जरूर फायर को रिप्रेजेंट करती होगी, इसीलिए तुम्हारे बालों का कलर लाल है। अब घर के अंदर नेजुको और सकोजी भी इन लोगों की बातें सुन रहे थे, और सकोजी बताते हैं कि ये आदमी अभी भी इतना ही बोलता है। अब ये सभी लोग घर के अंदर एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो आदमी तांजीरो को अपनी स्वॉर्ड देता है। और जैसे ही तांजीरो उस स्वॉर्ड को हाथ में लेता है, उस स्वॉर्ड का कलर काला हो जाता है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब तांजीरो पूछता है कि स्वॉर्ड का काला हो जाना क्या बुरी निशानी है, जिस पर सकोजी बताते हैं कि स्वॉर्ड का काला हो जाना बहुत ज्यादा रेयर है, और ऐसा बहुत ज्यादा कम देखा जाता है कि किसी की स्वॉर्ड काली पड़ जाए। फिर वो दूसरा आदमी ये सब कुछ देखकर बौखला जाता है और तांजीरो को बहुत ज्यादा जोर से पकड़ लेता है और बताता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसी ने ये तलवार बनाई थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि ये स्वॉर्ड काली पड़ जाए। और इसी सब के चलते वहाँ पर तांजीरो का कासुकागी क्रो आ जाता है और वो बताता है कि वो तांजीरो के लिए एक मिशन लेकर आया है। पास ही के एक विलेज में बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन है, जो कि लड़कियों को गायब कर रहा था, और तांजीरो का मिशन ये है कि उसे उस डीमन को ऐसा करने से रोकना होगा। और इसी सब के चलते ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि तांजीरो का एक बहुत ज्यादा पावरफुल डीमन से मुकाबला होगा। तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।